राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ जाने माने एक्टर एंटरटेनर जावेद जाफरी। I don't trust anyone. Sorry? Exactly. जावेद जाफरी, जाने माने अभिनेता जावेद जाफरी का जन्म 4 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ। लेजेंड कॉमेडियन जगदीप के पुत्र जावेद जाफरी कई प्रतिभाओं से लैस हैं। नहीं पहचाने का यार, क्योंकि हर सिचुएशन में हम लोग बेस बदलते रहे। करेक्ट। लेकिन हमारे पास कोई तबेला थोड़ी है जो भैंस बदलते रहेंगे। अरे यार गेट अप गेट अप, पहले से तो खड़ा हूँ, और कितना गेट अप। अरे हुलिया यार हुलिया। आदि तोतली जबान में मैं भी गाली दे सकता हूँ। ओके तू हुलिया। कबीर से पहले मैं इसको मार दूंगा। आज अपनी कॉमेडी के अंदाज से ज्यादा पहचाने जाने वाले जावेद जाफरी की फिल्मों में एंट्री एक विलन के रूप में हुई। एक ऐसा विलन जो डांस भी कर सकता था। ओह गॉड, ही इज सो गुड, ही इज द बेस्ट। 1985 में आई फिल्म मेरी जंग में उन्हें ये पहला मौका मिला था। विकी से दुश्मनी शरीफ आदमी नहीं क्या करते प्रोफेसर, क्योंकि विकी जीडी ठकराल का बेटा है और जीडी ठकराल को सारा शहर जानता है। बोल बेबी बोल रॉक एंड रोल में अपने डांस से लोगों के दिलों पर छा जाने वाले जावेद जाफरी ने टीवी पर वीजे के रूप में भी काफी पहचान पाई। जैसे दुनिया में सबसे लंबे बाल जो हैं, वो हिंदुस्तान में एक तंजौर डिस्ट्रिक्ट के पंडारा सन्नाटी साहब के हैं। 26 फुट लंबे बाल हैं उनके। मैं सोचता हूँ कभी कभी के ये बाल ब्रह्मचारी हो गए होंगे। 1996 में शुरू हुआ बूगी वूगी शो काफी लोकप्रिय हुआ, जो अब तक सबसे लंबा चलने वाला टीवी डांस शो है। कि वो टेलीविजन के जो दर्शक होते हैं, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ नहीं सकते। कम से कम हफ्ते में एक बार तो नहा लिया करो। आए नहाते ना, हफ्ते में एक बार नहाते हैं। पहला हफ्ता ये नहाता है, दूसरा हफ्ता मैं नहाता हूँ। अपनी आवाज के जादू से जावेद जाफरी बच्चों के बीच भी लोकप्रिय हैं। मॉर्निंग मिस्टर वॉकर, गुड मॉर्निंग टू यू मिस्टर गीफ, लवली डे। मिकी माउस, गोफी और टिकेशी कैसल जैसे प्रोग्राम्स उनकी आवाज से खास बने हैं। चीख मारी है और आपकी अकल फोल पे भारी है। फिल्मों में आने से पहले भी जावेद जाफरी कई चीजों में पारंगत रहे हैं। उन्होंने कोरियोग्राफी, मॉडलिंग और निर्देशन में भी हाथ आजमाए। मैगी सॉस के विज्ञापन को उन्होंने ही लिखा और निर्देशित भी किया। माइकल तुम साइकिल पर वहां, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और तुम ये कम्बकट टमाटर का साथ खाते हो। बॉस, इट्स मैगी हॉट एंड स्वीट टोमेटो चिली सॉस, इट्स डिफरेंट। पिछले 25 वर्षों में अभी तक के सबसे ज्यादा अवार्ड इसी विज्ञापन को मिले हैं। 2005 में फिल्म सलाम नमस्ते में निभाए जग्गू का किरदार आज भी मशहूर है, जिसके लिए उन्हें उस साल के बेस्ट कॉमिक रोल के लिए आईफा अवार्ड से भी नवाजा गया। दूसरा बाथरूम किस लिए? अगर कभी मेहमान आए। नो मेहमान, मुझे इस घर में कोई मेहमान नहीं चाहिए। लुक हियर, जस्ट द टू ऑफ यू वाइव्स, टेल देम द हाउ मच आई हेट द गेस्ट। सॉरी। एग्जैक्टली, मान नमान, नो मेहमान। बच्चों के लिए बनी फिल्म जजंतरम ममंत्रम भी उनकी एक यादगार फिल्म है। बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। शुक्रिया। हमें बताइए कि हम सभी जानते हैं कि आप मशहूर एक्टर जगदीप के बेटे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी एक्टर का बेटा एक्टिंग की दुनिया में ही आए। हालांकि घर का माहौल ऐसा होता है कि एक शौक सा पैदा हो जाता है। खुद आप अपने बचपन को याद करते हैं तो कैसा पाते हैं? क्या सचमुच आपको इसी दुनिया में आना था जहाँ आज आप हैं? एक्चुअली नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं एंटरटेनमेंट करता था स्कूल में, स्टेज में, कॉलेज में, वो सारी चीज़ों से ताल्लुक था, लेकिन ये सोचा नहीं था कि मुझे फिल्म में आना है, फिल्मों में आना है। कॉलेज ख़त्म होने तक भी ये अंदाज़ा नहीं था, लेकिन कॉमेडी करता था स्टेज पे, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया वगैरह, कोरियोग्राफी कर ली, तो ये सारी चीज़ें थी।
पढ़ाई का जहाँ तक ताल्लुक था, दसवीं के बाद मैंने सोचा था कि मैं साइंस लूँगा, साइंस लिया मैंने, मुझे बहुत हाई परसेंटेज मिला था साइंस और मैथ्स एंड साइंस में। उसके बाद मैंने सोचा कि बाहर जाऊँगा, फिर किसी वजह से घर में नहीं हुआ जाना। फिर ट्वेल्थ पास करके मैंने सोचा चलिए ठीक है कुछ करता हूँ, मैं डांस की डिग्री हासिल करूँगा, फिर मौका नहीं हुआ तो मैंने पढ़ाई की। लेकिन पढ़ते पढ़ते फिर ऐसा हुआ कि ऑल इंडिया डांस चैम्पियनशिप आई थी, वो जीत ली, फिर ऑफ़र मुझे बाहर से आया, मैंने कहा ठीक है भाई चलो ये भी कर लेते हैं। तो उस किस्म से कोई प्लानिंग करके या सोच के कि मुझे फिल्मों में आना ही नहीं था। जैसे आपने कहा कि डांस की तरफ आपका शायद प्राइमरली डांस की तरफ रुझान रुझान था स्कूल में, कॉलेज में और कॉमेडी वगैरह ये सब चीज़। लेकिन आपने फिर पाया कि डांस को ही आप अपना कप ऑफ टी शायद नहीं बना सकते, इसलिए आपने बहुत तरह की चीज़ों में हाथ आजमाना शुरू किया। नहीं, जब मैं फिल्मों में आया तो मैं ये नहीं कि मैं डांस करूँ, सामने से ऑफ़र आया, एक बाकायदा एक रोल था जो विलेन का रोल था मेरी जग में, तो उसमें कोई ऐसा था डांस एक एक एक, एक पहलू था, एक पिक्चर में एक गाना था लेकिन बाकायदा रोल था। और लेकिन सोचा नहीं, प्लानिंग नहीं की थी, और अभी कभी सोचता हूँ इन पर्सपेक्टिव तो शायद अगर मैं पॉजिटिव रोल में आता फिल्मों में तो बात अलग होती, क्योंकि डांस का ताल्लुक हिंदी फिल्मों में हीरो के साथ होता है, विलन के साथ नहीं होता। तो अगर विलन के साथ आया तो एक फिल्म थी वो आउट ऑफ द ब्लू की, हाँ कि किसी ने सुभाष घाई साहब ने सोचा कि नहीं मेरा विलन डांस करेगा, लेकिन वो विलन है, बुरा आदमी है। वैसे विलन नहीं थे उस वक्त, विलन तो हमेशा बुरे ही होते थे अब वो मैं था नहीं, मैं नॉर्मल सा था, तो पॉजिटिव से जंप मारना उसमें मुश्किल हो गया कि लोगों का दिमाग, आप इतनी बड़ी फिल्म, सुभाष घाई साहब डायरेक्टर हैं, उस फिल्म में विलन लिया तो फिर वो लोगों का जहन के लिए विलन है तो फिर हम हीरो ले लें करें पता नहीं, तो वो चलता गया। और फिर मैं आ गया और एक बार आ गए तो फिर चलती गई उसमें गाड़ी। बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल, अरे बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल, मेरे संग टोल, अरे दुनिया है गोल, अरे बोल बेबी बोल, बोल बोल बेबी बोल, तारा मेरे संग टोल, देख दुनिया है गोल, दिल में बस जाने दे मुझको, दिल के सब दरवाजे। और फिर बहुत कुछ ट्राई किया मैंने, मैं अपने आप को एक एंटरटेनर कहता हूँ, मैंने डबिंग बच्चों के लिए की, मैंने बच्चों के प्रोग्राम किए, मैंने गाना गाए, कोरियोग्राफी की, एडवर्टाइजिंग फिल्में बनाई, एडवर्टाइजिंग फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स लिखी, जिंगल्स गाए, स्टेज शोज़ किए, कोरियोग्राफी की, वीजे एमसी होस्टिंग, ये सारी चीज़ें की, ताकि उसी फील्ड में बहुत सारी चीज़ें की, जस्ट बिकॉज मैं एक अनुभव लेना चाहता था कि एंटरटेनमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स। और ये सब कुछ करते हुए आपके फादर जगदीप क्या कह रहे थे जब कभी उन्हें आपको ओरिएंट करने का मौका मिलता था, या कभी आपके काम पर कुछ उन्हें कहने का मौका मिलता था या अब मिलता है, तो वो कैसे देखते हैं आपके काम को? उन्होंने कभी किसी एक तरफ मुझे धक्का नहीं दिया कि ये कर लो, एक एजुकेशन दी जो सही सलीके की होती है, तरबियत जो घर में थी, जो चीज़ों की ज़रूरत थी एक अच्छी लाइफ के लिए वो दी। तो उनकी जो जिम्मेदारी थी कि भाई एक तालीम जो ढंग की होती है, दीनी तालीम भी थी एक साथ में चलती थी और दुनियावी तालीम और सब कुछ, रोका नहीं, जो करना चाहा उन्होंने कहा। तो फिल्म का भी उन्होंने कहा नहीं कि तुम फिल्मों में आओ, और जब ये आया ऑफ़र तो मैंने कहा भाई ये ऑफ़र है आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे बलबूते पे तुम आए हो, तुमको ऑफ़र तुम्हारी क्रेडिट पे मिला है ना कि मेरी क्रेडिट पे मिला है, अच्छे लोग हैं जो टीम है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को एक्टर्स, तो अच्छी बात है अगर कर लो, अच्छी टीम के साथ हो। अगर आपके बचपन पर एक बार फिर वापस लौटें तो उस बचपन में खुद आपके पिता जिस तरह सक्रिय थे और जो माहौल था, तब आप कैसे देखा करते थे उस दुनिया को जो फिल्मों की तरफ जाती थी? हमारे वालिद ने कभी ज़्यादा फिल्मी माहौल में हमको मतलब शूटिंग में ले जाने घड़ी घड़ी वो सब नहीं था। अगर हमारी छुट्टियाँ होती थी भाई, गर्मी की छुट्टियाँ हैं, और अगर उनकी शूटिंग कहीं होती थी तो हम साथ चले जाते थे, लेकिन हम शूटिंग पे नहीं बैठते थे, हम अपना अलग अपनी माँ के साथ हम लोग घूमते थे, और बस यही ताल्लुक था ज़्यादा, हम शूटिंगों पे ज़्यादा घूमे नहीं, अब्बा के साथ जाते थे जब होता था। तो फिल्म का माहौल घर में ऐसा फिल्मी फिल्मी नहीं था कि घर में बहुत से फिल्मी लोग आ रहे हैं, नहीं था, नॉर्मल सा घर था। और आपने कहा कि पढ़ाई, आपकी पढ़ाई क्या हुई? हाँ, मेरी पढ़ाई मैंने किया, मैं फाइनल ईयर बीए इन साइकोलॉजी था,
पांच पेपर दिए थे, एक में मैं फेल हो गया था। फिर हालात ऐसे हुए घर में, कुछ मेरा जहनी भी कुछ घर में ऐसे कुछ हो गया था, और फिर मेरा ये काम शुरू हो गया, तो मैंने थोड़ी करा, थोड़ी सी एक आलस हो गया कि वो काम में लग गया, घर में कुछ ऐसा था जहनी, तो वो पेपर मैंने दिया नहीं फाइनल। अब भी मुझे अफसोस होता है कि इतना कुछ किया, इतना कुछ पढ़ा, ठीक ठाक पहुँचे और एक पेपर नहीं दिया मैंने। तो यहाँ तक पढ़ाई की, बाकी दुनिया से सीखा जो। अभी जावेद जी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने एक्टर एंटरटेनर जावेद जाफरी के साथ। मेरी कमी थी उस वक्त, वो थी PR। अब वो मेरा PR ज़रा वीक था। अगर मैं वो गाना सही समझ लेता कि PR किया तो डरना क्या, तो वो मैं सही तरीके से समझ नहीं। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आप हैं आज जावेद जाफरी के साथ, जो कि मशहूर एक्टर एंटरटेनर हैं। जावेद जी, हमें बताइए कि आपने ब्रेक से पहले कहा कि मेरी जंग आपकी एक तरह से पहली फिल्म थी, वो कैसे आपको मिली थी? कॉलेज में था मैं, फाइनल ईयर में था, और उस वक्त मैं 84 में ऑल इंडिया डांस चैम्पियनशिप जीत चुका था, और 83 में, और किसी ने मेरा कैसेट सुभाष घाई साहब को भिजवा दिया। वो ढूंढ रहे थे किसी को, नए एक्टर को। मैंने कहा भेज दिया, मैं तो गया भी नहीं मिलने। तो कोई हमारी पहचान की थी, उन्होंने कहा भाई वो ठीक है, तो मैंने कहा ये यहाँ एक टेप है भेज। फिर वहाँ से फ़ोन आया, मिलना चाहते हैं, चला गया भाई, सीनियर आदमी है, मिल गए। NNCP साहब प्रोड्यूसर थे, वो भी बहुत सीनियर आदमी थे, हमारे अब्बा के दोस्त भी थे। तो गया तो उन्होंने कहा भाई ये रोल है और विलन है, थोड़ी कहानी का एक खाका सुनाया कि ये आपका रोल है। और मैंने कहा भाई एक दिन देंगे आप मुझे, तो थोड़ा सा एक कि भाई मैं सुभाष घाई हूँ, मैं तुम्हें ब्रेक दे रहा हूँ इतने फर्स्ट टाइम। फिर उनको भी रियलाइज़ हुआ कि भाई इनके वालिद बहुत सीनियर आदमी है, शायद कंसल्ट करना चाहते। तो उन्होंने ठीक है आप बात कर लीजिए घर पे, वहाँ से शुरुआत हुई। जब आप ये देखते हैं जावेद साहब के, एक कलाकार जिसके अंदर बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, आपने अपने अंदर ख़ुद भी किसी एक स्ट्रीम में काम करने के बजाय अपने मल्टीफेसेटेड डायमेंशंस अपने पर्सनालिटी के आपने ढूंढे और उनको आप एक्सरसाइज करते हैं जी। जब आप ऐसे लोगों के सामने जाते हैं जो आपके आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसे मौक़ों का कोई एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि आपने कहा कि नहीं मैं तो डिज़र्व करता हूँ, लेकिन वहाँ आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक वो ज़हनियत होती है ना कि भैया किसी ने लिया नहीं इनको लीड में, या किसी ने, तो अब कोई लेगा तो बनेगा। पहली फिल्म बिकॉज विलन आए थे, उसके बाद जो थी लीड्स की मतलब वो उसमें, लेकिन दो हीरो थे, तीन हीरो थे, किसी के साथ आदित्य पंचोली और हम थे, कहीं हेमंत बुर्जे, सुनील, सुमित सहगल, देव साहब थे, मैं थे, फिर एक जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित में, फिर आमिर खान के साथ मैं, शाहरुख के साथ। तो ये फिल्में आई, बट यू आर ऑलवेज द सेकेंड लीड काइंड ऑफ थिंग, बट करते रहे जब तक चला, लेकिन वो एक ज़हनियत बन जाती है। और मुझे लगा, और मेरे जो लोग मुझे जानते थे और जो मुझे एज एन एक्टर भी जानते थे, बोलते भाई तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मौका किसी वजह से नहीं मिल रहा है। तो मुझे एनालाइज मैंने ऐसा किया, जो मेरी कमी थी उस वक्त वो थी PR। अब वो मेरा PR ज़रा वीक था। अगर मैं वो गाना सही समझ लेता कि PR किया तो डरना क्या, तो वो मैं सही तरीके से समझ नहीं वो समझा नहीं मैं सही तरीके से। ठीक है, एक बिज़नेस की ज़रूरत होती है कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट, सिर्फ टैलेंट नहीं होता। जब तब मैं आया था तो एक PR, एक अहम आपका मूवमेंट, लोगों से मिलना जुलना, एक ज़बान होती है वहाँ की, शायद वो सही तरीके से मैं वो बोल नहीं पाया, लेकिन कोई बात अफसोस नहीं उसको। तो अगर मेरी जंग के बाद के ग्राफ को देखें तो कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें काम करके आपको लगा कि हाँ यहाँ हमने प्रूव किया अपने आप को और एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी मिला? एक फिल्म थी दीपा मेहता की फायर, शबाना आज़मी थी, कुलभूषण खरबंदा, नंदिता दास और मैं, उसमें एक काम मेरा अच्छा लगा मुझे। एक और फिल्म थी केतन मेहता की ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जिसमें शाहरुख खान भी थे, 100 डेज में लोगों ने पसंद किया था, एक ठीक, उसके बाद काम अच्छा लगा। ओ डार्लिंग में अच्छा काम था, फायर में अच्छा काम था, फिर बाद में जंप होकर सीधा गया जजंतरम ममंत्रम, एक फिल्म आई, और एक फिल्म आई सलाम नमस्ते, जिससे एक अलग रुख बदला। Crap, you scared me. I have that effects on the people. It's my
personality. So, you wanting the house? Well, okay. 1 year's the rents in advance. What? Translates. Read my lips. 1 saal ka kiraya pehle dena hoga. Vibes, don't I the always taking the rents in the advance? Sorry? Exactly. और बूम एक फिल्म थी, वो चली नहीं बिल्कुल, लोगों ने बड़ा ही उसको हकार दिया है, बकवास फिल्म है। अमिताभ बच्चन साहब थे, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, उसमें मेरा काम अच्छा था, जो मैंने देखा कि मैंने काम, मुझे अच्छा लगा। उसके अलावा मैंने देखा कि एक और फिल्म जो मुझे अच्छी लगी, उसके बाद कई फिल्में हैं जिसमें काम मुझे अच्छा लगा अपना, शौर्य एक फिल्म आई थी, उसमें मेरा काम मुझे पसंद आया। मैं खुद अपनी तनकीद करता हूँ, क्रिटिसिज्म देख लेता हूँ कि नहीं है, कुछ समझ नहीं है। शौर्य, 8x10 तस्वीर, फिर काफ़ी फिल्में आई, सिंग इज किंग, और एक फॉरेस्ट फिल्म आई थी, वो ज़्यादा चली नहीं, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसमें मेरा काम अच्छा था। ये कुछ फिल्में हैं जहाँ मुझे मेरा काम अच्छा लगा। मुझे ये भी जानना है कि क्योंकि आप बहुत सारे शोज़ होस्ट करते रहे, और ख़ासतौर पर जब आप मास्टर ऑफ सेरेमनी होते हैं कहीं पर, ये एक ऐसा फील्ड है जो बहुत ज़्यादा करेंसी में नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग इस काम को नहीं करते। इस काम, इस पेशे में अगर कोई उतरना चाहता है, उसको आप क्या टिप देंगे? जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि तुमने टेलीविजन को वो किया है जो अमीन सियानी रेडियो को किया था, तो मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट था ये। अमीन सियानी साहब ने एकदम टर्न अराउंड किया रेडियो पे एक स्टाइल प्रेजेंटेशन का, और अब तक वो उनका स्टाइल एक ओरिजिनल है। जावेद साहब ने जो कहा कि टेलीविजन की होस्टिंग को तुमने एकदम टर्न अराउंड कर दिया, कि बहुत नेचुरल कर दिया कि मैं गुफ्तगु कर रहा हूँ आपसे, न कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुनिए मेरी बात। जो ज़बान इस्तेमाल की मैंने, वो रोज़मर्रा की एक ज़बान को मिक्स कर दिया, थोड़ा अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, ये सब मिक्स करके पन मैंने प्ले किया, लफ्ज़ों के खेलना, उसका इस्तेमाल करना, तो वो कुछ एक बन गया एक अपना स्टाइल। फिर वो मैंने काफ़ी उसमें 94 से ये जो स्टाइल, फिर स्टेज पर भी हम करते थे, अवार्ड्स फंक्शन हुए, बड़े नेचुरल नॉर्मल वे में बातचीत करना। अच्छा, चूँकि आपने अपने अंदर से बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की हैं अपनी पर्सनालिटी के आस्पेक्ट्स, गाने में भी कभी आपने ट्राई किया? मैंने किया था, एक गाना लिखा था मुंबई, 1999 में मुंबई एक गाना था जो मैंने लिखा भी, गाया भी, म्यूज़िक में भी मैं शामिल था। हालांकि आशुतोष ध्रुव से गाने में किरण कोटरिया लेके वो साथ में लिखा था, लेकिन पूरा कंसीव करके किस तरह से बनना है उसको, तो वो ऑन द चार्ट था, टॉप नंबर 1 पे 6 हफ्तों के लिए, बहुत फेमस हुआ था। उसका कोरस ये था कि खाने का, पीने का, मरने का, जीने का, चलने का, फिरने का, उठने का, गिरने का, टेंशन नहीं लेने का, भाई से पूछने का, कसा का है भरा है, आई एम मुंबई, आने का, जाने का, नाचने का, गाने का, नहाने का, धोने का, हंसने का, रोने का, बोम ने मारने का, भाई से पूछने का, कसा का है भरा है, आई एम मुंबई। बार बार लगातार छापने के लिए कारोबार जाएगा तो 20 साल तक थम्बा, लो एंड ऑर्डर से तो पांडू भाई का हाथ है लंबा, नेता अभिनेता या हो कोई बिल्डर, भाई को देकर सुपारी करवाता है मर्डर, हाथ में उसका पावर है सब उसका आगे झुकता, उसका खोपड़ी सनक गया तो पूरा मुंबई रुकता। ये बॉम्बे के जो गैंगस्टर्स थे उन पर एक सटायर किया था मैंने, जो गैंगस्टरिज्म, तो मैंने गाने मुंबई को मुंबई कर दिया, तो वो टर्म आज भी इंटरनेट पे जाएंगे तो मुंबई के पता नहीं 10 लाख है लोग मुंबई बोलते हैं, तो ये उस गाने ने कुछ टर्न अराउंड किया। बहुत शानदार। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जावेद जाफरी के साथ। एक्टिंग की फील्ड में अफसोस ये है कि कुछ ऐसा है नहीं, आप डफर भी हो सकते हैं, किस्मत चमक गई तो चमक गई, आप बहुत अच्छे हो सकते हैं और आपको मौका नहीं मिल रहा है, ये एक्टिंग की फील्ड में किस्मत का बहुत बड़ा खेल है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में, आप हैं आज जावेद जाफरी के साथ। जावेद जी, हमें बताइए कि ये सब कुछ करते हुए कुछ पढ़ने लिखने का भी आपको शौक है, या कुछ ऐसा शौक जिससे कि आप सीधे तौर पर जिसका ताल्लुक आपके पेशे से ना हो? मैं जब कॉलेज छोड़ा तो मुझे बड़ा शौक लगा, शौक कॉलेज चुने मैंने, फिर शॉक ट्रीटमेंट लिया,
वो शॉक ट्रीटमेंट, बट लेकिन हाँ आदतें हैं, मुझे पढ़ता हूँ, मैं कंडेंस्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ, मैं बड़ी नॉवेल्स नहीं पढ़ सकता, फिक्शन बहुत कम पढ़ता हूँ मैं जैसे नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी और ये जो कंडेंस्ड नॉन फिक्शन चीज़ें होती हैं वो किताबें पढ़ता हूँ, इन्फॉर्मेटिव इंटरनेट से काफ़ी कुछ उठाता हूँ, न्यूज़पेपर्स पढ़ लेता हूँ, थोड़ा न्यूज़ देख लूँगा, ज्योग्राफिक चैनल डिस्कवरी वगैरह ये सब देखता हूँ ताकि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिल्मों का शौक है, देखता हूँ अपने घर में काफ़ी जितना हो सके, बाकी वक्त बच्चों के साथ जो गुजारना होता है वो गुजार लेता हूँ, स्कूबा डाइविंग एक पसंद है, मौका जब मिलता है कोशिश करता हूँ, स्काई डाइविंग की थी बट लेकिन मौका नहीं मिला बाद में करने का, वो करना है वो कुछ उसका ये है। और जो आपके पेशे से जुड़े हुए लोग हैं और बिल्कुल जो एक नई जनरेशन आ रही है, जब आप उन पर नज़र डालते हैं तो अब तो कायदे से देखा जाए कि आप उन्हें पैटर्नाइज करने के स्टेज पर पहुंच चुके, तो क्या लगता है जी? नहीं इस सच्चाई को तो नहीं, हम लोग तो यही कहते हैं, बुगी उगी में हमारे शो पे लोग आते थे, अरे हम आपका शो बचपन से देखते हैं, बड़ी सी आंटी एक बच्चे को लेके दो छः सात साल के, हम तो बचपन से आपका शो देखते हैं, बोले हाँ भाई ठीक है वेरी गुड, हमारी बुजुर्गियत का एहसास दिलाया आपने, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो बोलते हैं अंकल आंटी और, लेकिन मैं कभी इस तरह से देखता नहीं हूँ, नए हैं ओके, इंडिया में सिर्फ ये है, बाकी हर प्रोफेशन में ये है कि अगर आप टेक्निकल कोई काम, इलेक्ट्रिशियन बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आपको एक डिग्री लेके आना पड़ता है कि भाई आप मिनिमम आपकी ये रिक्वायरमेंट है, आप ये काम कर सकते हैं। एक्टिंग की फील्ड में अफसोस ये है कि कुछ ऐसा है नहीं, आप डफर भी हो सकते हैं, किस्मत चमक गई तो चमक गई, आप बहुत अच्छे हो सकते हैं और आपको मौका नहीं मिल रहा है, ये एक्टिंग की फील्ड में किस्मत का बहुत बड़ा खेल है, मेहनत सब करते, हर एक समझता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और करते भी हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता, कभी कभी बहुत ही एवरेज बिलो एवरेज एक्टर्स भी बहुत बड़े नाम कमा लेते हैं, और कई बहुत अच्छे अच्छे एक्टर रहते हैं, उनको वो मौका नहीं मिलता है, वो नाम नहीं मिलता है। लेकिन मैंने देखा कि लोग हैं जो समझेंगे अगर आपने काम सही किया और अप्रिसिएशन मिलता है, मैं जिन लोगों को देखता हूँ एज एन एक्टर, मैं कभी देखता हूँ मैंने बोला यार ये गड़बड़ हो गई है, सही है। कभी कुछ एक्टर को देखेंगे अरे यार ये क्या किया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कैसे किया इसने, अरे सल्यूट। ऐसे एक दो एक्टर हैं जो मैं कभी कभी ये जो सल्यूट करता हूँ, दिलीप साहब के कुछ फिल्में गंगा जमुना मशाल कुछ सीन फैंटास्टिक, मैंने कमला हासन एक ऐसे एक्टर हैं जिनको हमेशा मैंने बहुत पसंद किया है कि वो कभी अलग अलग नया नया रूप और एक सीन को जो हम सोचे भी नहीं थे कि इस तरह से कर सकते हैं वो उन्होंने करके दिखाया, तो उनको बहुत मैं मानता हूँ एज एन एक्टर। नाना पाटेकर एक एक्टर हैं, वो अजीब कुछ नई नई चीज़ें करके ले आते हैं, नसीर भाई ने कुछ ऐसे काम किए, तो मैं ऐसा ऐसे एक्टरों को ना मैं स्टार नहीं बनना चाहता, मैं हमेशा मैं कोशिश की और मैं चाहूँगा कि मैं एक एक्टर बनूँ जिसे मुझे मौका मिले नए नए रोल्स करने का, नए नए तरीक़ों से किरदार को पेश करने का, तो वो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। नए एक्टर्स हैं, रणबीर कपूर अच्छे लगते हैं मुझे, कोशिश करते हैं कुछ नया करने की एज एन एक्टर। आपने किस्मत की बात कही, कहीं आपको अपनी किस्मत से कोई ऐसी शिकायत है कि किस्मत ने उस एक पर्टिकुलर एरिया में आपका साथ नहीं दिया, वरना आप? मैं किस्मत से कभी शिकायत नहीं करता, किस्मत से शिकायत करना यानी अल्लाह से शिकायत करना होगा, जो आपने लिखा है आपका है, आपके अमल शायद गलत होंगे या वो चीज़ आपके लिए नहीं है, दोनों में से एक, मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद मैंने कुछ गलती करी अपने अमल में जो चाहिए था उसकी उस चीज़ के लिए, जैसे कि अगर मैं सही तरीके से पढ़ के नहीं जाऊँगा और फेल हो गया तो मैं किस्मत को कैसे ब्लेम कर सकता हूँ, शायद मैंने कुछ गलती, और अगर मैंने सही पढ़ाई की और मैं गया और गलत कुछ हो गया या मार्क करने वाले टीचर या जो भी होते हैं एनालाइज करते हैं वो लोग, अब वो मेरी किस्मत थी कि शायद कोई वजह या मशीहत थी उसमें, सिस्टम में गलती थी जो भी है, अब उससे मैं नहीं लड़ सकता, तो मैं ये सोच के चलता हूँ, तो मैं कभी किस्मत से कंप्लेंट नहीं करता हूँ कि भाई ठीक है मैंने अपना 100% दिया, हो सकता है कहीं मैंने कुछ कमी कर दी हो किसी डिपार्टमेंट, जैसे मेरा PR वो एक बिजनेस का एक हिस्सा है। दो चीज़ें जिन पर मेरा बात करने का बहुत दिल है आपके साथ, एक तो सरसरी तौर पर डांस के बारे में बात हुई, जबकि डांस में आपने बहुत अनोखा काम करके दिखाया हमारा ये मानना है, दूसरी चीज़ के अलग अलग आवाज़ों को इमिटेट करना और उनमें एक नई जिंदगी डालना, इसको आप बड़े अनोखे ढंग से करते हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में बताइए। पता नहीं कुछ चीज़ें अच्छी लगी, वहाँ से ये ले लिया, यहाँ से ये ले लिया, मेहनत की, प्रैक्टिस भी की, कुछ नया करने की कोशिश की। मैंने माइकल जैक्सन को बहुत पसंद किया, लेकिन मैंने माइकल जैक्सन को कॉपी नहीं किया, उनकी अदा को समझा, स्टाइल प्रेजेंटेशन
लेकिन मैंने उनका एग्जैक्ट स्टाइल नहीं किया, मैंने मिक्स किया, फोक डांस भी किया, मार्शल आर्ट्स के मूवमेंट्स कुछ कर दिए, ब्रेक डांस को थोड़ा मिक्स किया, जैज किया, तो ये सारी चीज़ों को मिक्स किया मैंने। तब मैंने करके दिखा, जब लोगों को पसंद आ गया, उन्होंने सराहा, ठीक है, मैंने कभी नहीं बोला कि आई एम द बेस्ट और वगैरह वगैरह। और जो दूसरा पहलू था इसी सवाल का, जिसमें हमने आपसे आवाज़ों के बारे में, ये मेरा शौक रहा है कि लोगों को ऑब्जर्व करूँ, ट्रेनों में बसों में सफ़र करते हुए एक्टर्स को आवाज़ इम्पर्सनेट करूँ, मिमिक्री करूँ, कैरेक्टर्स, ज़बानें, हिंदुस्तान में इतना हिंदी, मराठी, पंजाबी, ये सारी चीज़ों को एक मिश्रण करके उनका इस्तेमाल किया। तो ये दो शो थे हमारे, एक चैनल वी पर, एक था फ्लैशबैक, जहाँ मैं फिल्मों के बारे में बात करता था, लेकिन फिल्मी लोगों के बीच में धर्म जी का लालिया, जितने भी फिल्मी एक्टर्स थे उनकी मिमिक्री इस तरह से कि लगे ना कि मैं, अच्छा अब मैं धर्म जी को करूँगा, मैं सरसरी बात करते करते करूँगी, आपका ये शो मुझे बहुत अच्छा लगा, निकल गए बोल के। तो ये मैंने इस तरह से इन्फ्यूज़ किया, बात करते करते सरसरी एक आवाज़ निकाली और चले गए, और आपने पहचान लिया, ये तो अमरीश पुरी है। मैंने दूसरा एक शो किया जहाँ मैंने हिंदुस्तान की अलग अलग ज़बानें उनको इस्तेमाल, कभी मैं हैदराबादी बन गया, कभी मैं गुजरात से बन गया, कभी नेपाली बन गया, कभी साउथ का बन गया, तो 14 कैरेक्टर प्ले किए थे मैंने, वो एक शो था हमारा टाइम पास। तो उसमें ये अलग पहलू था, तो ये जो दो शो थे ना, इन्होंने एक अलग ब्रेक किया टेलीविज़न में, होस्टिंग का एक अलग नज़रिया मयार जो होता है कि नहीं यार इस तरह भी होस्टिंग हो सकती है, वो शौक़ था, अल्लाह ने कुछ दे दे कर लिया, थोड़ा आया, कहाँ से आया पता नहीं। और बिल्कुल आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि करियर के इस मकाम पर अभी आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, और जहाँ पाते हैं उससे आप खुश हैं कि नहीं, और आगे आपकी क्या प्लानिंग है? खुशी दो चीज़ों की होती है, अल्लाह ने जो दो जो दिया उसका शुक्र, वो एक अलग है, और बेहतर काम कर सकते हैं, हाँ वो है, उसमें एक है कि कर सकते हैं, कमी है, कमी रही, हम उसमें और कर सकते हैं, बेहतर काम मिल सकता है, कर सकते हैं, तो ये दो पहलू हैं। खुश ये है कि अल्लाह का शुक्र जो दिया है, कंप्लेंट नहीं है, हाँ काम कर सकते हैं, वो है कि उसकी एक तलाश, उसकी एक जद्दोजहद वो है और रहेगी, क्योंकि अगर आप थक के बैठ गए तो कोई मतलब ही नहीं, तो मतलब आप यहाँ भाई ठीक है बहुत कुछ कर लिया, अब क्या करना है, ये जो अंदर होनी चाहिए कि नहीं और कुछ करना है, कुछ नया करना है, एक लेवल को बढ़ाते जाना है एक कलाकार होने के नाते, तो ये एक अंदर है वो रहेगी कोई भी उम्र के हो जाए, तो ये हमने सीखा है हमारे बड़ों से, हमारे वालिद से भी हमने ये सीखा है, बड़े बड़े एक्टर जो हैं कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी, आपने हमारे लिए शुक्रिया। ये थे जाने माने एक्टर एंटरटेनर जावेद जाफरी। प्रोग्राम गुफ्तगू के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।